साल था 1977। ये वो साल था जब इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी खत्म हुई थी। इमरजेंसी हटने के तुरंत बाद देश में लोकसभा के चुनाव हुए। लोगों में कांग्रेस को लेकर भारी गुस्सा था, इसलिए पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। ये हार छोटी मोटी नहीं थी, पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, वहां के मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण ने भी लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की कमान वसंत दादा पाटिल ने संभाली। पर तभी एक कांड हो गया, कांग्रेस पार्टी टूट गई और उसके दो हिस्से हो गए, कांग्रेस एस और कांग्रेस आई। यशवंत राव चव्हाण शरद पवार के राजनीतिक गुरु थे, तो शरद उन्हीं के साथ कांग्रेस यू में शामिल हो गए। 1978 में महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस यू और कांग्रेस आई पार्टी दोनों धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन इनके बीच की लड़ाई का असली फायदा मिला जनता पार्टी को, जिसने महाराष्ट्र में 99 सीटें जीती और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था, तो जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। ऐसे में सत्ता के लिए कांग्रेस के जो दो धड़े कभी अलग हो गए थे, उन्होंने एक बार फिर से एक होने का फैसला कर लिया। वसंत दादा के खेमे यानी कांग्रेस आई के पास 62 और शरद पवार की पार्टी कांग्रेस एस के पास 69 सीटें थी। दोनों एकजुट हो गए और मुख्यमंत्री एक बार फिर से वसंत दादा पाटिल को बना दिया गया। शरद पवार को राज्य में उद्योग मंत्री बनाया गया। वक्त बीतता गया, सब सही चल रहा था। राज्य में सरकार बने 5 महीने गुजर चुके थे। तारीख थी 17 जुलाई और साल था 1978। दोपहर का वक्त था। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल ने अपने युवा उद्योग मंत्री शरद पवार को खाने पर बुलाया। शरद पवार काफी ऊर्जावान और सटीकता से अपनी बात को रखने वाले लोगों में से एक माने जाते थे, इसलिए वो वसंत दादा पाटिल के काफी करीबी थे। भोजन हुआ तो तत्कालीन उद्योग मंत्री शरद पवार उठे और वसंत दादा पाटिल से कहा, तो दादा अब मैं चलता हूँ, भूल चूक माफ करना। इतना कहकर शरद पवार चले गए, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल उनके शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाए। उन्हें तो बस ये लगा कि उनका युवा उद्योग मंत्री बस यूं ही इन शब्दों का इस्तेमाल कर गया है। लेकिन उस दिन शरद पवार की बात के अपने अलग मायने थे। शाम होते होते खबर आई कि उस दौर की कांग्रेस पार्टी के 17 विधायक उस युवा उद्योग मंत्री के साथ टूट गए हैं। केंद्र की कमान जनता पार्टी के हाथ में थी। जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी शरद पवार का सहयोग कर दिया। तारीख थी 18 जुलाई और साल था 1978। इस दिन अचानक ही 38 साल के शरद पवार ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। सब हैरान से रह गए। शरद पवार के गुरु यशवंत राव चव्हाण ने इस कुकर्म को करने में उनकी पूरी मदद की। हालांकि उस समय का कुकर्म आज राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। खैर, वो कहते हैं ना, समय का पहिया घूमता है। इस बार भी महाराष्ट्र में ऐसा पहिया घूमा कि 1978 में रातों रात सरकार बना लेने वाले शरद पवार इस बार बस बैठे रह गए और उनके भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर रातों रात सरकार बना ली। पूरे 41 साल बाद शरद पवार को वैसा ही झटका लगा जैसा वसंत दादा पाटिल को उन्होंने दिया था। वर्तमान बीजेपी सरकार पर अभी पेंच फंसा है और मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट या सदन में चाहे जो भी फैसला आए, लेकिन अजीत पवार ने शरद पवार को कहीं ना कहीं ये तो बता ही दिया है कि धोखे का अंजाम कभी सिला नहीं होता। समय सबका बदलता है और इतिहास खुद को ज़रूर दोहराता है। आपको हमारे ये किस्सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो का ऑप्शन आपको दिखाई दे तो फॉलो भी कर सकते हैं। कैमरे के पीछे थे मोंटू और मेरा नाम है मानव। वीडियो आपने देखी है इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।